मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। प्रश्नावली चल रही है कौन सी, 1B और क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट 0.32 बार का निशान, तो किस तरीके से बताया चेंज करना, दो अंक रिपीट हो रहे, बटे में क्या आएगा 99, तो ये हो गया 32/99 आंसर। दो अंक रिपीट हो रहे हैं, दो पर बार का निशान लगाया तो बटे में 9 का अंक दो बार। सेकंड पार्ट 0.56 पर बार का निशान, तो 0 = 0.56/99। कट पाएगा नहीं कट पाएगा, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसा ही इसे छोड़ सकते हैं आंसर। थर्ड पार्ट 3.18 पर बार का निशान, तो 3 = 18/99, 9 से कट गए, 9 × 2 = 18, 11 आ जाएंगे बटे में, तो 11 × 3 = 33 और 2 कितने हो जाएंगे 35/11 आंसर। चौथा पार्ट 10.13 बार का निशान, तो 10 × 13/99, जब गुणा करेंगे कट तो पा नहीं रहे, तो 990 हो गए, 990 और 990 में ये और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 1003/99 और आंसर। आप इस प्रकार से आसानी से इन संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि वो भी बता दीजिए कि जैसे जब साधारण दशमलव वाली संख्याओं को चेंज करते थे तो क्या करते थे, दशमलव के नीचे एक बना के उतनी बिंदी बढ़ा के आसानी से चेंज हो जाता था। जैसे लिखा है, आप समझ लीजिए, इस तरीके से लिखा है 1.3 पर बार का निशान बराबर कितना होगा 1.33333333, ये आएगा। तो इसे किस प्रकार चेंज करते हैं, जब 1 दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, इधर भी 10 का गुणा कर दिया, इधर 10 का गुणा होगा तो एक अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा और ये आएगा दशमलव के बाद, ठीक। इसके बाद दूसरी बार उसी को उसी तरीके से लिख लिया जैसा कि वो लिखा हुआ है, 3.33333333, इसी तरीके से लिख लिया। अब अगर इसमें से घटाएं ये, तो इधर तो क्या 0000000 बचते चले आएंगे, यहाँ कितना बचेगा 12 बचेगा, इधर इसमें से ये घटाना, ये ही खास बात है, बस इतना बचा, 10x में से 1x घट गया तो 9x बचा। अब 1.3 पर बार का निशान बराबर 12/9, 3 × 12, 3 × 9, 1.3 पर बार का निशान मान कितना आ गया 4/3, इस प्रकार उसे चेंज किया जाता है, आप समझ लीजिए।
देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट 6.315 बार का निशान, 6.315 पर बार का निशान, तो क्या हो जाएगा 6 × 315/999। किससे 9 से कट जाएंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, ये क्या आएगा 111 है। अब लघुतम ले लिया कितना 111 है, यहाँ ये इतने हो गए प्लस 35, कितना आया 1, और ये 9 × 10^6 = 7, 701/111 है उत्तर। सेकंड पार्ट 7.1641, 3 अंकों पर लगा हुआ है बार का निशान, तो ये जब तीन अंकों पर, कुछ अंकों पर बार का निशान हो, कुछ अंकों पर बार का निशान नहीं हो, तो क्या करते हैं पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं, और जितने अंकों पर बार का निशान है उतनी बार 9, और जिन पर नहीं है उतनी बार 0 लिखते हैं। तो ये मिला आपको 7.1640/999.1, तो कैंसिल हो गई। एक बिंदी कैंसिल होने के बाद अब ये किसी से कट पाएगा तो काट के देख लो, 7 × 4 = 11 नहीं कट पा रहा, जब नहीं कट पा रहा है तो लघुतम ले लिया 999, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 और 6 = 69, 9 × 7 = 63 और 6 = 69 = 164, कितना आएगा 3 × 4 = 7, 9 × 6 = 15, 10 × 1 = 11, 6 × 1 = 7, 999 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए। −0.35 तो इसमें से ये घटाना है, घटाने के लिए पहले इसे चेंज कर लिया 2 × 5/9 ऋण कोष्टक 0 × 35/99, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 18 = 5, 23/9 −35/99, लघुतम ले लिया 99, 11 का गुणा होगा 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22 और 3 = 25, −35 कितना बचा 8 बचा, 218/99 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात कीजिए 2.7 पर बार का निशान धन, 1.3 पर बार का निशान। तो चेंज करेंगे 2 × 7/9 × 1 × 3/9, ये 9 × 2 = 18 और 7 × 25/9 × 9 = 9 और 3 12/9 कितने हो गए 37/9 और ये रहा इसका उत्तर। आ रहा होगा समझ में, आसानी से चेंज करके बताए हमने आपको पहले और आप इन्हें आसानी से चेंज कर भी सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात कीजिए 1.45 का निशान धन, 0.3 का निशान। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 × 45/99 = 0 × 3/9। तो ये काट दीजिए, किससे कट जाएंगे, एक बार ये 3 कट गए, ये 9 × 5 = 45, ये 11 कट गए। तो 11 × 11 और 5 = 16/11 धन, ये कितना आ जाएगा 1/3, दोनों का लघुत्तम 33, 33 × 16 = 48, 11 × 11 कितना हो जाएगा 59/33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1/11 का 0.5 ज्ञात कीजिए, 1/11 का 0.5 ज्ञात कीजिए। जब 0.5 ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, 11 का भाग देना है, 1 में 0.5 लगा लिया, बिंदी बढ़ा ली, एक और बिंदी बढ़ा ली, 11 × 99 बचा 1, एक बिंदी बढ़ा ली, एक यहाँ भी बढ़ेगी, 11 × 99 एक बिंदी बढ़ा ली, एक और बिंदी बढ़ेगी, 99 एक बिंदी बढ़ा ली, एक और बिंदी बढ़ेगी, 11 × 99 एक, इस तरीके से 0909 ऐसा चलता चला जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, 0.09 पर बार का निशान और आंसर। ठीक इसी प्रकार 2/11, 3/11, 4/11 को आप 0.5 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और हम ज्ञात कर देते हैं, 2 में भाग देना है कितने का, 11 का, 0.5 लगा लिया, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 11 बचे 9, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 8 = 88 बचे 2, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 11 बचे 9, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 8 = 88 बचे 2, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 11 बचे 9, बिंदी बढ़ा ली, 11 × 8 = 88 ऐसे ही चलता रहेगा ये भी डॉट डॉट। तो कितना आ जाएगा, 0.18 पर बार का निशान। ठीक इसी प्रकार से 3/11 और 4/11 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, निश्चित रूप से आप हल करके देखिएगा। इसी प्रकार से वो भी परिवर्तित होगा, बार के रूप में दोनों ही लिखे जाएंगे, क्यों, जब 2π/m और 5π/n का रूप होता है तब वो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त होता है। अब इसका निरूपण शांत नहीं है तो निश्चित रूप से इसी प्रकार बार के रूप में आएगा, परमेय संख्या के रूप में ये परिवर्तित होगा, क्यों, ये पहले से परमेय संख्या है तो रहेगी तो परमेय संख्या ही, भाग दे के उसे दशमलव रूप में निरूपण करना चाह रहे हैं आप, कीजिए। इस तरीके से ये प्रश्नावली सॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।